है। तो आपको मैं पिछली क्लास में क्या बता रहा था, कंट्रोल सर्किट यूजिंग इंडिविजुअल टाइमर फॉर ईच स्टेप, ये एक दिखाया था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेप के लिए, मतलब जब जब हमको रेजिस्टेंस कट करना होता है तब तब हम क्या करेंगे, एक एक टाइमर ऑपरेट होगा और रेजिस्टेंस को कट करेगा। तो ये एक डेफिनेट टाइम कंट्रोल में पहला पार्ट था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे में गए थे, दूसरे में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, जो रेजिस्टेंस को कट करेंगे वो हम लोग फिक्स्ड टाइम में कट करेंगे। मतलब हम लोगों को टाइम पता होता है तो हम फिक्स्ड टाइम में हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कट करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैम मोटर्स यूज़ करेंगे। तो ये आपका पावर सर्क्यूट है जो आपको मैं पिछली बार भी दिखाया था, ये आपका क्या है, पावर सर्क्यूट है, ठीक है, एक मिनट। तो ये आपका क्या था, पावर सर्क्यूट था, ठीक है, ये आपका पावर सर्क्यूट था। तो इस ये पावर सर्किट मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ऑपरेशन समझ में आए। लेकिन ये पावर सर्किट को पूरा कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंट्रोल सर्किट करता है। तो अगर हमको किसी भी कंट्रोल स्कीम के बारे में पढ़ना है या हमको किसी भी कंट्रोल स्कीम को समझना है तो हम लोगों को पावर सर्क्यूट के साथ साथ कंट्रोल सर्क्यूट को देखना है, जो मैं पहले से आपको बताते आता हूँ। तो अभी आपको राइट साइड में एक कंट्रोल सर्क्यूट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कंट्रोल सर्क्यूट है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर ये मेरा कंट्रोल सर्क्यूट है तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन प्रेस किया हूँ तो यहाँ पे मेरा एम नाम का कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिलेगा, सप्लाई मिलेगा, ठीक है। जैसे ही एम नाम का कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई मिला, सबसे पहले क्या करेगा, मेरा मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करेगा ये कॉन्ट्रैक्टर बंद करके। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, जितने भी एम नाम के स्विच है उन सबको पहले से ओपन है तो क्लोज, पहले से क्लोज है तो ओपन, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करेगा, एम वन को पहले से ओपन था तो इसको क्लोज करेगा, एम टू को क्या करेगा, क्लोज करेगा, ठीक है। जब एम वन और एम टू आपका क्लोज हो जाएंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, जैसे ही आपका M2 क्लोज हुआ तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे ही M2 क्लोज हुआ तो M2 क्लोज होते समय यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरा कैम मोटर, ये मेरा क्या है, कैम टाइमर मोटर, मतलब ये वाला मोटर क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये वाला मोटर रोटेट करना शुरू करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा मोटर का शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट में क्या किया हूँ, अलग अलग कैम लगाया हूँ, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कैम पे जो ऊंचाई रहेगा, तो आपका नॉर्मली कैम मान लो ये ऐसा सर्किल है, तो मैं सर्किल ऐसा ना बना के ऐसा तो ऊंचा ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। और ये ऊंचाई मैं डिसाइड करूंगा कि कब कौन सा स्विच मुझे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब मेरा कैम मोटर रोटेट होना शुरू करेगा तो सबसे पहले मेरे 0th स्विच दबेगा कैम, मतलब इसको मैं ऐसा डिजाइन करूंगा कि सबसे पहले मेरा 0 नंबर का स्विच दबे। तो जैसे ही ये कैम मेरा 0 नंबर के स्विच को दबाएगा तो 0 नंबर का स्विच बंद होगा। तो उसके बाद अगर मैं इसको इसके ऊपर दबाना रिलीज भी कर दिया हूँ तब भी क्या होगा, ये 0th स्विच इसको होल्ड करके रखेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब मैं स्टार्ट दबाऊंगा, स्टार्ट के साथ मेरा कैम मोटर का स्विच बंद होता है। तो अगर मैं जब स्टार्ट को रिलीज करूंगा तो कैम मोटर बंद होना चाहिए, लेकिन बंद नहीं होगा क्योंकि मेरा 0th स्विच ऑलरेडी दबा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इस स्विच को होल्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और साथों साथ एम कॉन्टैक्टर स्टार्ट बटन को होल्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे वाले का जो कैम है, ये दूसरा कैम है मेरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो दूसरा कैम है इसको मैं ऐसा डिजाइन करूँगा कि मेरा दूसरा कैम क्या होना चाहिए, पहला कैम जब दबेगा उसके बाद दूसरा कैम दबना चाहिए, मतलब इसका ऊंचाई ऐसा डिसाइड करूँगा ताकि ये दबने के बाद ये दबे। तो थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा, ये दूसरा वाला कैम दूसरा स्विच को दबाएगा, तो जैसे ही दूसरा स्विच को दबाएगा तो ये वाला स्विच क्या होगा, बंद होगा। तो जैसे ही ये वाला स्विच बंद होगा, और ये स्विच क्यों बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा दूसरा कैम जो एक के ऊपर है वो इसको दबाएगा एक नंबर का स्विच को। तो जैसे ही ये बंद हुआ तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिलेगा, सप्लाई मिलेगा। तो जैसे ही मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई मिलेगा तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, यहाँ पे ये नाम का स्विचेस को बंद करेगा। तो जब मेरा ये नाम का स्विचेस बंद हुए तो मेरा इतना रेजिस्टेंस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, मेरा ये तीसरा वाला कैम जो दूसरा स्विच के ऊपर है, तो ये स्विच क्या करेगा, दो को स्विच दबाएगा। तो जैसे ही वो दो को दबाएगा तो दो वाला स्विच बंद होगा, तो बी नाम का कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई मिलेगा। जैसे बी नाम का कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई मिला तो बी नाम का स्विचेस क्लोज होंगे। तो इतना पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद ये जो चौथा कैम है जो तीसरा स्विच के ऊपर है वो तीसरा स्विच को दबाएगा, तो मेरा तीसरा स्विच क्या होगा, बंद होगा। तो जैसे मेरा तीसरा स्विच बंद हुआ, सी नाम का कॉन्ट्रैक्टर को क्या होगा, सप्लाई मिलेगा।
तो जैसे ही सी नाम का कॉन्टैक्टर का सप्लाई मिलेगा तो यहाँ पे सी नाम का स्विचेस क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इतना पूरा रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद फिर से थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, मेरा जो पांचवा कैम है ये कैम क्या करेगा, चौथा स्विच को दबाएगा। तो जैसे ही चौथा स्विच दबा तो चौथा स्विच क्या होगा, बंद होगा। तो मेरा डी नाम का कॉन्टैक्टर को क्या मिलेगा, सप्लाई मिलेगा। तो डी नाम का कॉन्टैक्टर क्या करेगा, डी नाम का स्विचेस को बंद करेगा और मेरा पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रोटा सर्क्यूट से हट जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला ए बंद किया हूँ थोड़ा रेजिस्टेंस कट गया, उसके बाद बी बंद किया हूँ और थोड़ा रेजिस्टेंस कट गया, उसके बाद सी बंद किया हूँ और थोड़ा रेजिस्टेंस कट गया, उसके बाद जैसे मैं बी बंद किया हूँ पूरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, कट हो गया। तो जब डी नाम का स्विच, ये फोर्थ स्विच बंद हुआ तो डी कॉन्टैक्टर यहाँ डी स्विच को बंद किया, साथों साथ मेरा यहाँ पे डी वन क्लोज होगा, डी टू ओपन होगा। तो जैसे ही डी टू ओपन हुआ ए बी सी को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सारे स्विच ओपन होंगे लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डी बंद है तो यह शॉर्ट सर्किट करके रखेगा और उसके साथ साथ ये कैम मोटर भी क्या हो जाएगा, रोटेट करना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जितने भी आपके पहला वाला टाइप में है डेफिनेट टाइम कंट्रोल, तो ये सारे क्या होंगे, टाइम के हिसाब से काम करेंगे लेकिन मतलब फिक्स टाइम रहेगा हर एक स्विच को ऑपरेट करने का। तो पहला तो रेजिस्टेंस काटने के लिए फिक्स टाइम रहेगा, मान लो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो मुझे पहला स्टार्टिंग में सारे स्विच ओपन रहना चाहिए ताकि मेरा पूरा आर फोर रेजिस्टेंस लगे रहे, उसके बाद 2.5 सेकंड्स के बाद मेरा पहला स्विच बंद होना चाहिए ताकि मेरा रेजिस्टेंस आर फोर माइनस आर वन हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद मेरा दूसरा स्विच बंद होना चाहिए 5 सेकंड बाद तो मेरा और रेजिस्टेंस कट हो जाए, मतलब आर फोर माइनस आर टू। उसके बाद एक और फिक्स टाइम 7.5 सेकंड्स के बाद क्या होना चाहिए, एक और स्विच बंद होना चाहिए ताकि मेरा रेजिस्टेंस आर फोर माइनस आर थ्री हो जाए। उसके बाद 10 सेकंड बाद क्या होना चाहिए, मेरा पूरा रेजिस्टेंस कट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फिक्स्ड टाइम 2.5, 7.5, 10 ऐसा मैं एक फिक्स्ड टाइम पे स्विचेस को कट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं स्विचेस को टाइम के हिसाब से कट करूँगा, ठीक है। तो ये जो डेफिनेट टाइम कंट्रोल है जो आपको आगे दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको ये डेफिनेट टाइम कंट्रोल जो दिखाया हूँ इसमें जो भी चार टाइप्स आएंगे, ठीक है, ये चारों टाइप्स में क्या होगा, चारों टाइप्स टाइम डेफिनेट टाइम पे ऑपरेट करेंगे, लेकिन हम कैसे टाइम के हिसाब से उनको ऑपरेट कर रहे हैं वो मेथड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसा पहला वाले में अलग हर एक स्विच के लिए अलग अलग टाइमर लगाऊंगा, दूसरे वाले में हर एक स्विच के लिए एक मोटर यूज करके मोटर को मैं टाइमर जैसा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा और चौथा में कैसे ऑपरेट होगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको दूसरा वाला रिपीट किया था तो क्लियर है ना, हम तीसरा और चौथा में जा सकते हैं ना। यस सर, यस सर। तो ये पहला था, ये दूसरा था, तो हम लोग अब तीसरा जाएंगे। तीसरा भी आपका डेफिनेट टाइम कंट्रोलर है, ये भी क्या करेगा, टाइम के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस को कट करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ टाइम के हिसाब से कट करने के लिए वो फर्क आएगा, ठीक है। तो आप अभी जा सकते हैं, ये मेरा पावर सर्क्यूट है जो आपका अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पावर सर्किट में आपको बताया हूँ कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो पावर सर्किट में हो रहा है, लेकिन इस पावर सर्किट में जो भी होना है, जो भी ऑपरेशन होना है वो कौन करेगा, आपका कंट्रोल सर्किट करेगा। तो आपको राइट साइड में जो कंट्रोल सर्किट दिख रहा है ये आपका क्या है, ये डायग्राम राइट साइड में जो दिख रहा है ये आपका क्या है, कंट्रोल सर्किट है, ठीक है। तो अब देखिए फिर से हम अपना कहानी में आएंगे कैसे ऑपरेट काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। तो जब मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं फेस से डायरेक्ट सप्लाई क्या होगा, मेरा एम नाम का कॉन्टैक्टर को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा एम नाम का कॉन्टैक्टर क्या होगा, मोटर को मेन सप्लाई से कनेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ एम नाम का कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्क्यूट में इस स्विच को क्लोज करेगा। तो जब ये वाला स्विच मेरा क्लोज हुआ तो ये क्या करेगा, मेरा स्टार्ट सर्किट को एक होल्डिंग प्रोवाइड करेगा, मतलब अगर मैं यहाँ से रिलीज करूँगा दबाना तब भी मेरा ये एम कॉन्टैक्टर उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे हमारा टाइमर्स का काम आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हेडिंग में लिखाया हूँ कि टाइमर हेड, मतलब यहाँ पे जो स्विचेस है इन स्विचेस के ऊपर एक हेड बना है, मतलब इन स्विचेस के ऊपर एक छोटा सा हेड बनेगा और इस हेड में क्या होगा, हमारा टाइमर रहेगा। और भाई कौन सा टाइमर रहेगा,
यहाँ पे जो टाइमर रहेगा वो आपका रहेगा न्यूमैटिक, ठीक है? ये आपको पढ़ाया था मैं। हाँ यस, तो मतलब प्रैक्टिकली नहीं देखे थे ना इसलिए, और तो पता ही है कि एयर से चलता है, ठीक है? पता नहीं, मैं आपको पढ़ाया था ये फर्स्ट चैप्टर में, ये आपका न्यूमैटिक टाइमर होता है। तो वहाँ पे हम लोग जो टाइमर के लिए यूज करते वो हम लोग वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, हम लोग न्यूमैटिक टाइमर यूज करते हैं, जो आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है? इसलिए मैं सबसे पहले आपको पहला चैप्टर पढ़ाया हूँ ताकि आप आगे चैप्टर्स में आपको आसान हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग न्यूमैटिक टाइमर पढ़ चुके हो पहला वाले में, जो आपका भी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ठीक है? तो ये न्यूमैटिक टाइमर हम लोग वहाँ यूज करेंगे। तो जब मैं आपको ये टाइमर समझाया था, ठीक है, तो जब मैं आपको ये टाइमर समझाया था तो आप एक चीज यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे अपर चैम्बर रहेगा, लोअर चैम्बर रहेगा। ये अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर जब जाता है तो ये डायाफ्राम को ऊपर धकेलेगा, इसके वजह से ये जो कांटेक्ट है धीरे धीरे क्या के इस कांटेक्ट को टच करेगा, तब मेरा जो भी ऑपरेशन होना है वो ऑपरेशन होगा। तो ये कितना स्पीड में ऊपर जाएगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर कितना हवा जाएगा। तो अगर हम जो हवा अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर जा रहा है अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे तो हम यहाँ पे जितना टाइम चाहिए उतना टाइम हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यही न्यूमैटिक टाइमर ले जाके वहाँ पर यूज़ करूँगा। ये मैं इसको आपको फिर से नहीं समझा रहा हूँ, आप चाहिए तो फिर से यूट्यूब चैनल में देख के जहाँ पे हम लोग हमारा कोर्स का वीडियोस है तो आप लोग वहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है? ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है? तो वहाँ पर आप फिर से अगर आपको ये काम कैसे कर रहा है पता नहीं है, याद भूल गए, तो आप लोग वहाँ जाके इसका न्यूमैटिक टाइमर का ऑपरेशन आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है? लेकिन क्योंकि मुझे आपको वो डेफिनेट टाइम कंट्रोल वहाँ पे कैसे हो रहा है मुझे वो समझाना है। तो वहाँ पे जो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है वो ये वाला यूज़ हो रहा है, वो आपको मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ ये कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो आप लोग अगर याद नहीं है तो आप लोग फिर बैक में जाके वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो भाई यहाँ पे हम लोग अभी न्यूमैटिक टाइमर में आ गए, ठीक है? तो न्यूमैटिक टाइमर में क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाएंगे, एम कॉन्टैक्टर सप्लाई मिलेगा और मेरा एम कॉन्टैक्टर क्या करेगा, मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करेगा और जितने भी एम नाम के स्विचेस है सबको बंद करेगा। और ये जो एम नाम का स्विच जब बंद होगा तो ये स्टार्ट बटन को होल्ड प्रोवाइड करेगा ताकि अगर मैं यहाँ से रिलीज भी कर दूँ तब भी क्या होगा, मेरा एम कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है? उसके बाद आगे क्या होगा कि देखिए आगे क्या होगा, ठीक है? तो टाइमर हेड है ना, तो आप देखिए तो आगे क्या होगा, पहले मेरा M1 नाम का टाइमर रहेगा, ठीक है? M1 नाम का टाइमर रहेगा, ये M1 नाम का टाइमर क्या करेगा, टाइम न्यूमैटिक टाइमर है तो धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ी टाइम के बाद न्यूमैटिक टाइमर ऑपरेट होगा। तो जैसे ही न्यूमैटिक टाइमर आपको ऑपरेट होगा तो ये क्या करेगा, M1 टाइमर इस स्विच को क्या करेगा, क्लोज करेगा। तो जैसे ये वाला स्विच क्लोज हुआ तो यहाँ पे आपका जो ये है इसको सप्लाई मिलेगा। तो जैसे ही मेरा ये कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगा तो यहाँ पे ये नाम का स्विचेस क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। तो इतना सा मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कट गया। तो अभी मेरा रेजिस्टेंस क्या हुआ, आर फोर माइनस आर वन हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ देखिए जब ये नाम का कॉन्टैक्टर बंद हुआ तो यहाँ पे ये नाम का टाइमर एक यहाँ पे है, बल्कि वो बी वाला कॉन्टैक्टर के स्विच के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर जो टाइमर है वो ये टाइमर है। इसलिए यहाँ पे देखिए मैं हेडिंग में लिखा हूँ टाइमर हेड, मतलब यहाँ पे जो टाइमर रहेंगे वो सर पे रहेंगे, किसके सर पे, स्विच के सर पे होंगे, ठीक है? तो जैसे ये स्विच ऑपरेट हुआ तो ये कॉन्टैक्ट सप्लाई दिया तो इस स्विच के ऊपर जो टाइमर है वो गिनना शुरू करेगा। और जैसे ही अपना न्यूमैटिक है तो हवा जा रहा है और जब अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर पूरा हवा चले जाएगा तो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में कनेक्शन होगा तो ये तुरंत क्या करेगा, इस स्विच को बंद करेगा। तो थोड़ी टाइम के बाद मान लो पहला मोटर ऑन हुआ 2.5 सेकंड्स के बाद ये वाला टाइमर ये वाला कॉन्टैक्टर के ऊपर स्विच को बंद किया, उसके बाद 5 सेकंड बाद ये वाला स्विच बंद हुआ तो बी नाम का कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिला तो बी नाम का कॉन्टैक्टर बी नाम का स्विचेस को बंद करेंगे तो मेरा रेजिस्टेंस और कम होगा, आर फोर माइनस आर टू हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही बी नाम का कॉन्टैक्टर बंद हुआ तो यहाँ पे बी नाम का टाइमर, यहाँ सारे टाइमर न्यूमैटिक है तो आप याद रखिए ये चीज़, ठीक है? तो बी नाम का टाइमर क्या करेगा, अपना धीरे धीरे हवा अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर ले जाता रहेगा, उसके बाद जैसे पूरा हवा ऊपर से नीचे गया तो कॉन्टैक्ट होगा तो ये स्विच क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
जैसे ये स्विच बंद हुआ तो सी टाइमर सी कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगा, तो सी कॉन्टैक्टर क्या करेगा यहाँ पे सी नाम का स्विचर्स को बंद करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सी नाम का स्विचर्स बंद होंगे तो इतना पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, आर फोर माइनस आर थ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, फिर से धीरे 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 ऑपरेट होते रहेंगे और कुछ टाइम बाद आपका यहाँ पे सी नाम का टाइमर क्या करेगा, इस कॉन्टैक्ट को बंद करेगा। तो जैसे ये बंद हुआ तो डी नाम का कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिला, तो यहाँ पे डी नाम का स्विचेस बंद हुए तो पूरा रेजिस्टेंस कट हो गया, ठीक है। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है बाकी लोगों में, ऑपरेशन तो वही हो रहा है, पिछले वाले में भी वही हुआ, उसके आगे वाले में भी हुआ, इसमें भी यही हुआ, कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन जो टाइमर्स है वो अलग अलग था, पहले वाले में हर एक के लिए इंडिविजुअल टाइमर था, दूसरे वाले में एक मोटर तक उसके ऊपर कैम था, वो कैम स्विचेस को बंद कर रहा था, और तीसरे वाले में हर एक स्विच के ऊपर एक टाइमर लगा हुआ है, जब वो स्विच बंद होगा तो वो टाइमर ऑन होके गिनना शुरू करेगा, उसके बाद वो उसको बंद करेंगे, ठीक है। जैसा आपका एम कॉन्टैक्टर जब बंद हुआ तो यहाँ पे एम वन टाइमर काम किया, और कुछ टाइम के बाद एम वन टाइमर जिस स्विच के ऊपर बैठा है उसी स्विच को बंद किया। उसके बाद जब ए नाम का कॉन्टैक्टर सप्लाई मिला तो यहाँ पे ए नाम का टाइमर टाइम काउंट करना शुरू किया, और जब टाइम हो गया तो ये जिस स्विच के ऊपर बैठा है उस स्विच को बंद किया। उसके बाद बी नाम का कॉन्टैक्ट सप्लाई मिला तो बी नाम का टाइमर गिनने लगा, और जब टाइम हुआ तो बी नाम का टाइमर क्या किया, जिस स्विच के ऊपर वो बैठा है उसी स्विच को बंद किया। उसके बाद सी नाम का स्विच भी टाइम के बाद जिस स्विच पे वो बैठा है, मतलब यहाँ पे जो टाइमर से वो कहाँ है, स्विचेस के ऊपर ही है, मतलब टाइमर हेड मतलब सर के ऊपर, हेड के ऊपर, स्विचेस के हेड के ऊपर, ठीक है। तो ऑपरेशन वही हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी जैसे काम कर रहे ये भी वैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको ऑन बटन प्रेस करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑन बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑन बटन को प्रेस किया तो मेरा एम कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगा और यम नाम का स्विच बंद होगा, ठीक है। तो यम नाम का स्विच बंद हुआ तो ये स्टार्ट बटन को होल्ड करेगा, अगर मैं यहाँ से रिलीज भी करूँगा लेकिन सप्लाई मेरा इस स्विच पे होते हुए जाएगा तो ये होल्ड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरा एम कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिला तो ये मेरा मोटर को मेन स्विच से कनेक्ट करेगा, उसके साथ ये क्या करेगा, यहाँ पे एम वन नाम का टाइमर को एक्टिवेट करेगा, मतलब एम वन नाम का टाइमर क्या करेगा, काउंटिंग शुरू करेगा। ये आपका कौन सा टाइमर है, न्यूमैटिक टाइमर है, तो न्यूमैटिक टाइमर में हवा अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर जाएगा एयर, और जब हवा जाता रहेगा तो धीरे धीरे कॉन्टैक्ट ऊपर जाके उसके बाद कॉन्टैक्ट बनाने लगेगा। तो धीरे 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 एक टाइम के बाद ये जब स्विचेस कॉन्टैक्ट होंगे तो ये स्विच क्या होगा, एम वन टाइमर जिस स्विच के ऊपर है उसी स्विच को क्या करेगा, बंद करेगा। तो जैसे ये स्विच बंद हुआ अब ये कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिला, तो जैसे ये कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिला तो यहाँ पे ये स्विच क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जैसे ये स्विच बंद हुआ तो यहाँ पे मेरा इतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला आर फोर रेजिस्टेंस था, इसमें से आर वन माइनस हो गया, ठीक है। जब ये नाम का टाइमर ऑपरेट किया उसके बाद ये नाम का यहाँ पे टाइमर, ये नाम का कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलने के बाद ये नाम का टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, धीरे 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 अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में हवा जाना लगेगा, ठीक है। जब पूरा हवा अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर जाएगा तो मतलब टाइम हो गया, तो ये क्या करेगा, जिस स्विच के ऊपर बैठा है उसी स्विच को क्या करेगा, बंद करेगा। तो जैसे ये स्विच बंद हुआ तो मेरा बी कॉन्टैक्टर को क्या मिलेगा, सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ पे बी नाम का स्विचेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरा रेजिस्टेंस क्या हुआ, और कम हुआ, कितना हुआ, आर फोर माइनस आर टू हो गया, ठीक है। उसके बाद बी नाम का ये यहाँ पे स्विचेस को बंद करके रेजिस्टेंस को बाईपास किया, साथ साथ यहाँ पे बी नाम का टाइमर को एक्टिवेट करेगा, तो ये टाइमर क्या करेगा, फिर से ये भी न्यूमैटिक टाइमर है, फिर से हवा अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर जाता रहेगा। उसके बाद तो ये टाइम के बाद ये क्या करेगा, जिस स्विच के ऊपर है ये उसी स्विच को क्या करेगा, बंद करेगा। जैसे ये स्विच बंद हुआ तो सी नाम का टाइमर को क्या मिलेगा, कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ पे सी नाम का स्विच बंद हो जाएंगे। तो अब मेरा रेजिस्टेंस और कम हुआ, कितना हुआ, आर फोर माइनस आर थ्री हो गया, ठीक है। उसके बाद सी नाम का कॉन्टैक्टर को जिस समय सप्लाई मिला उसी समय से सी नाम का कॉन्टैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और ये टाइम धीरे धीरे हवा क्या होगा, अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर जाएगा, वो कितना आपने सेट किया है। तो जब पूरा हवा अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर जाएगा तब तक ये
प्रीसेट हो गया तो ये क्या करेगा, बंद करेगा इस स्विच को और डी नाम का कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई मिलेगा। तो डी नाम का कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, डी नाम का स्विचेस को बंद करेंगे ताकि मेरा पूरा रेजिस्टेंस कट हो जाए। तो ऐसा क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टाइमर्स ऑपरेट होकर स्विचेस को बंद कर रहे हैं। तो ये भी आपका डेफिनेट टाइम स्टार्टर में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइमर हेड्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक स्विच के ऊपर ही एक टाइमर यूज़ कर रहे हैं। और वो कौन से टाइमर्स होंगे, आपके न्यूमैटिक टाइमर्स होंगे, ठीक है। तब क्लियर है? यस सर। सर कंट्रोल सर्किट में जो स्टार्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर जो एनसी बना हुआ है वो किस चीज के लिए है? ये उसका इफेक्ट पावर सर्किट पे क्या? ये जी सर ये आपका फ्यूज, ये आपका क्या है ना, ये आपका ऑफ स्विच है। कंफ्यूज मत होइए, ये आपका ऑफ स्विच है। स्टार्ट बटन दबाऊंगा ये सब आना, बाद में बंद करना है तो ऑफ स्विच दबा के बंद करेंगे ना, वो आपका ऑफ स्विच है, वहाँ पे लिखे नहीं लेकिन ऑफ है वो, ठीक है। तो आओ किसी को कोई डाउट, आगे चले। यस सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट टाइम, अभी भी हम लोग डेफिनेट टाइम टाइप में ही है, इसमें लास्ट वाला है चौथा वाला, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे तो हमारा डेफिनेट टाइम वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगला वाला करंट लिमिट एक्सेलरेशन में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग एक ही टाइप में है, एक टाइप में चार सब टाइप्स है, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट, ये लास्ट में समझ, मतलब उस टाइप में लास्ट है, डेफिनेट टाइम टाइम आने में लास्ट टाइप है, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा, इसमें हम लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी टाइम के हिसाब से बंद करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लक्स डिले रिलेस यूज़ करेंगे। तो भाई अब ये फ्लक्स डिले रिलेस क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इनमें फ्लक्स रहता है, ठीक है। जब भी कोई सर्क्यूट में फ्लक्स रहता है तो आपको एक स्विच बंद, मान लो मेरे पास कोई कॉइल है, ठीक है, मेरे पास कोई कॉइल है, तो इस कॉइल को मान लो मैं सप्लाई दिया हूँ, ठीक है। पहला मेरा स्विच बंद था तो इस कॉइल को सप्लाई मिला, तो इस कॉइल से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद मैं जब स्विच बंद करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, ठीक है। स्विच बंद करने के बाद इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स खत्म नहीं हो जाएगा, फ्लक्स को यहाँ पे खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और आपको ये एक चीज और पता है कि अगर आपके पास कॉइल है, इसको हम लोग इंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। तो जब हम लोग इंडक्टर को सप्लाई देंगे और सडनली इसमें करंट वेरी करने को कोशिश करेंगे, मान लो इंडक्टर में करंट हम लोग जीरो है पहले करंट, सडनली इसको मुझे 5 एम्पियर करना है, तो इंडक्टर में करंट सडनली 5 में नहीं जाएगा, वो क्या होगा, धीरे 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 होते हुए 5 में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो अभी मेरा इंडक्टर में करंट 5 एम्पियर में है, मैं इसको सडनली जीरो करना चाहता हूँ, लेकिन ये सडनली जीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है इंडक्टर का, जो सडनली करंट को बढ़ने नहीं दे रहा है, सडनली करंट को कम होने नहीं दे रहा है, इंडक्टेंस। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इसी का हम लोग यहाँ पे फायदा उठाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे करू को 5 एम्पियर से 0 एम्पियर आने में जो टाइम लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम, इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट में लिखते हैं। जब आप लोग एसी सर्क्यूट पढ़ते हो तो उसमें आप लोग टाइम कांस्टेंट पढ़े होंगे, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, इंडक्टर आरएल सर्क्यूट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, एल बाई आर, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे जो टाइम लगता है तो इसी टाइम को मैं टाइमर की जैसा यूज नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ तो वो बंद होने में कुछ टाइम लग रहा है, तो मैं यहाँ इसी को टाइमर की जैसा यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पूरा कंट्रोल सर्क्यूट में इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इन लोगों ने फ्लक्स का यूज किया, और इन्होंने क्या किया, इनको पता तो है ही कि फ्लक्स को अगर मैं सडनली बंद करूंगा, फ्लक्स कॉइल को सप्लाई देना, तो करंट सडनली बंद नहीं होगा, तो टाइम लगेगा, तो वो टाइम मेरा एकदम टाइमर की जैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो उन लोगों ने इसी का इस्तेमाल किया था, ठीक है।
तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इंडक्टर में टाइम डिले होता है, तो उन्होंने उसी टाइम डिले का यूज किया था। तो फिर से ये आपका पावर सर्किट है जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मेरा पावर सर्किट है, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, कंट्रोल सर्किट है, ठीक है। ये आपका क्या है, कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो अब आप लोग कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट देख चुके हो। अब हम लोगों को ये जानना है कि अब कंट्रोल सर्किट काम कैसे करेगा, तो पहले हम लोगों को यही जानना है, ठीक है। तो कंट्रोल सर्किट काम कैसे करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कंट्रोल सर्किट का वर्किंग में जाने से पहले आपको एक छोटा सा चीज़ याद रखना है इस पर्टिकुलर कंट्रोल सर्किट में, कि यहाँ पे सबसे पहले एनवो वाला स्विचेस नहीं, एनसी वाले स्विचेस ऑपरेट होंगे, उसके बाद आपका एनवो वाले स्विचेस ऑपरेट होंगे, ठीक है। मतलब जो स्विच पहले से नॉर्मली क्लोज्ड है, तो कभी भी कुछ होता है तो पहले ये ओपन होंगे, उसके बाद ही जो नॉर्मली ओपन है वो क्लोज होंगे, ठीक है। मतलब जो भी स्विचेस पहले से क्लोज है, पहले उनको ओपन करके उसके बाद जो स्विचेस पहले से ओपन है उनको बंद करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये एम टू, ये एन वो है क्योंकि ये पहले से ओपन है, और यहाँ देखिए ए एक्स टू, ये एन सी है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से क्लोज। तो कभी भी ऑपरेट करना है तो पहले मान लो एन सी और एन वो दोनों हैं, तो पहले एन सी को खोलो उसके बाद एन वो को बंद करो। तो इस कंट्रोल सर्किट में हमको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो अब जाएंगे वर्किंग में, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स, ये सब क्या है, मेरे कॉइल्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं में फ्लक्स आएगा, यही फ्लक्स रिलेस मान के चलिए इनको, इनको क्या मान के चलेंगे, फ्लक्स रिलेस मान के चलिए, ठीक है। मतलब इनमें फ्लक्स रहता है, ठीक है। तो इनको जो सप्लाई मिल रहा है वो एक डीसी सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा क्या है, ब्रिज सर्किट है, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से क्या हो रहा है, रेक्टिफाई होके इनको डीसी सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जब इनको सडनली डीसी सप्लाई हटा देंगे तो इनमें सडनली करंट कम नहीं होगा, क्योंकि ये सब हमारे फ्लक्स रिलेस है, ठीक है। तो ये सब हटाने दीजिए, सीधा ऑपरेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करूँगा, एक यहाँ देखिए, सबसे पहले ये मेरा एम वन ए वन बी वन सी वन ये सब मेरा बंद है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑन बटन को प्रेस करूँगा। जो जैसे मैं ऑन बटन को प्रेस किया हूँ तो सप्लाई सीधा मेरा एम कॉन्टैक्टर का आएगा। तो मेरा एम कॉन्टैक्टर क्या करेगा, आप देख सकते हैं इनिशियली, देखिए जब मैं कुछ ने प्रेस किया हूँ तो यहाँ पे ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स, ये जो फ्लक्स रिलेस बोला हूँ आपको, इन सबको सप्लाई मिल रहा है, ठीक है, इन सबको सप्लाई मिल रहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे, मान लो मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले इनिशियल में आया हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब भी आप देख सकते हैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स को आराम से सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ऑन बटन को प्रेस करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं ऑन बटन को प्रेस किया हूँ, मेरा एम कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिला, ठीक है। तो मैं आपको बताया हूँ पहले एन सी को खोलना है, उसके बाद एन वो को बंद करना है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा कि एम कॉन्टैक्ट का सप्लाई मिलते ही सबसे पहला मेरा क्या होगा, एन वन जो पहले से क्लोज था वो ओपन हो जाएगा, और एम टू जो पहले से ओपन था ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे एम टू कुछ नहीं कर रहा है, इस ऑन स्विच को होल्ड प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही एम वन खुला तो ए एक्स को पहले से जो सप्लाई मिल रहा था वो सप्लाई क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपको बताया हूँ ये जो ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स है ये सब हमारे क्या है, फ्लक्स रिलेस है। तो इनको अगर सडनली सप्लाई बंद कर देंगे तो इनमें जो फ्लक्स है वो सडनली ख़त्म नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टाइम से मैं अपना टाइम के हिसाब से ये फ्लक्स रिलेस को डिज़ाइन किया हूँ, ठीक है। मतलब इनको जो टाइम लगेगा सडन जीरो होने में वो टाइम मैं अपने हिसाब से फिक्स किया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मेरा ए एक्स को सप्लाई मिलना बंद हो गया, लेकिन मेरा अब देखिए ए एक्स को जब तक सप्लाई मिल रहा है तब तक यहाँ पे ए एक्स टू क्या हुआ, बना रहा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा आपको उल्टा लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा ऑपरेशन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। तो ठीक है ये पहले से आपका ओपन होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लोज दिखा दिया हूँ, ठीक है, ये आपके ओपन रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, ये सब ओपन है, ए एक्स टू बी एक्स टू, ठीक है, एन सी है, एन वो है, ठीक है।
काम करेंगे, क्योंकि ये अब आपको ये ऑपरेशंस को समझाने के लिए मुझे पहले फिर से पूरा समझाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कल वाला क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये X2, BX2, CX2, DX2 में कौन सा पहले ऑपरेट होगा, कौन सा बाद में ऑपरेट होगा, ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, समझने में, तो ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर से आपका इसके बाद क्लास होगा ना, ठीक है, तो ये आपको मैं कल समझाऊंगा, ये समझने के बाद आपको करंट लिमिट एक्सेलरेशन स्टार्टर भी आपको देखना है, ठीक है, तो मैं अभी टाइम देखा हूँ, तो 154 हो गया, तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो कल ये वाला ख़त्म करके उसके बाद हम लोग कल करंट लिमिट एक्सेलरेशन स्टार्टर, उसके बाद एक और स्टार्टर है वो सब ख़त्म करके कल हम लोग ये स्लिपिंग इंडक्शन मोटर क्लोज कर देंगे, ठीक है।